हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग हैं रोहिणी सेक्टर 10 में, एडवेंचर आइलैंड में, और उसी के पास है रनवे। ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें हम लोग रेस्टोरेंट हैं वो, और वहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। हर एक इंसान की एंट्री फीस है पर पर्सन 200 रुपीज़। वो एडजस्ट हो जाती है जब हम खाना खाएंगे। मैंने मेन्यू देखा था थोड़ा सा, तो 460 रुपीज़ चिकन का ग्रेवी वाला आइटम है, रोटियाँ 40 रुपये की है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, और यहाँ की रेटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन चेक करना पड़ेगा खुद जाके कैसी रेटिंग है। हमारे साथ आज है टीटू, ये देखो, और है हमारे साथ आकाश। हेलो फ्रेंड्स, ये कौन है? हेलो फ्रेंड्स, ये कौन है? चाय पी लो। आकाश मेरा भांजा है, और पीछे एक और कैमरामैन है जिसका नाम है हर्ष। मैं दिखाता हूँ, तो ये सारे हैं, हम चारों आए हैं आज बाइक्स पे। तो हमने पार्किंग करी, पार्किंग का 20 रुपीज़ है। अगर डीकैथलॉन से कुछ शॉपिंग करते हैं यहाँ पर आके, तो वो 20 रुपये जो होता है वो रिम्बर्स हो जाता है। और बाकी अभी हमें वेटिंग कराई है 45 मिनट्स की। सो 45 मिनट्स तक हमें वेट करना है, 45 मिनट्स हमें वेट करना है। हमारा जो नंबर आने वाला 103 है। सो 45 मिनट्स की वेटिंग बताई थी, अभी हो चुके हैं 40 मिनट्स, कोई फ़ोन नहीं आया। होता क्या है, यहाँ पर हमें जाके पहले टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद क्या करते थे हम, टोकन लिया, पेमेंट करी, फोन नंबर दिया उनको, और वहां पर टोकन जमा हो जाता है काउंटर पे। उसके बाद वो बताते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, कॉल कर देते हैं। तो 40-45 मिनट्स का टर्न अराउंड टाइम था। नंबर आते हैं, आपको कॉल आ जाएगा, बट अभी तक आया नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर इट, एंड एज जैसे होता है, सो वी विल गेट इनसाइड एंड शो यू व्हाट्स देयर इनसाइड द प्लेन। चलो, तो अभी हम लोग आ गए हैं फ्लाइट के दरवाजे तक। ये तीनों यहाँ खड़े हैं, हमारे सुपर हीरोज। अंदर जाओ 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 जाओ, गो गो। सो दिस इज रनवे 1। ये वाला आ जाए, इधर आ जाए, 103 आते हैं फाइनल बस, यही है। तो गाइस, ये है यहाँ का मेन्यू। ये रेस्टोरेंट में सबसे बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा। अगर ऐसे डाल दिया हम लोगों को, ये तो सीधे ब्राह्मण बन गए। चलो बोलो,
तो अब बताओ कैसा लगा यहाँ आके और कैसा था खाना? मजा नहीं आया। खाना तो मजा नहीं आया, बाकी एम्बियंस अच्छा था। सही था, मतलब नॉर्मल फूड था, जैसे कि जगह के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं था जैसे एक्सपेक्टेशन थी। हाँ बताओ जी बताओ। एम्बियंस तो अच्छा था लेकिन खाना मजा नहीं आया। इससे बढ़िया तो अपनी बिरयानी देसी बढ़िया होती। सो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है। जैसा कि सबने बोला कि क्या खाना में मजा नहीं आया, टीटू बोल रहे खाने में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया क्यों? क्योंकि इनका इनके जो डिशेस है सर्विसेस टू स्लो। ऑर्डर देने के बाद कम से कम 40 to 45 minutes और लगे खाना आने में, और खाने का रेट तो हाई है ही बाहर के मुकाबले। चलो वी कैन बियर विद दैट, बट द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। सो आप अगर यहाँ आ रहे चाह रहे हो ज़रूर आओ, ये जगह अच्छी है देखने में, थोड़ा अच्छी लाउड हो जाएगा, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू कम हियर फॉर हैविंग अ गुड फूड। और आपका माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा फूड मिलेगा।